स्वागत है जी तुहाडा सब दा तुहाडे अपने चैनल पंजाब नॉलेज हब दे विच। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नू सब्सक्राइब जरूर करो ते बैल आइकन नू दबाना ना भूलो। सो स्टूडेंट्स, अज असी करांगे जो जेल वार्डर दा एग्जाम होना है उस वास्ते 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम च पूछे जा सकते ने, ओहो क्वेश्चन असी अज डिस्कस करांगे। सो सब तो पहला क्वेश्चन असी जेड़ा करांगे ओहो है जी, कौन भारतीय पुरुष हॉकी टीम दा कप्तान है? ठीक है जी, पहला क्वेश्चन है कौन भारतीय पुरुष हॉकी टीम दा कप्तान है? तक पुरुष हॉकी टीम दा कप्तान है जी मनप्रीत सिंह। यह क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि रिसेंटली टोक्यो ओलंपिक्स हुई ने। ठीक है जी, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 जड़िया हुई ने, उन्होंने इंडियन हॉकी टीम ने ब्रोंज जीता है। इंडियन हॉकी टीम ने की जीता है जी? वोन ब्रोंज। ब्रोंज जीता है जी, ता कैप्टन कौन सी? कैप्टन सी मनप्रीत सिंह। ते 40 या 41 साल बाद इंडिया ने पहली बार ओलंपिक्स च कोई मेडल जीता है। ठीक है जी, इस कारण यह इंपोर्टेंट है जी, पूछा जा सकता है। दूजा देखो, इसे जो क्वेश्चन बन सकता है भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन सी? क्योंकि देखो जी, तुहानू पता होना टोक्यो ओलंपिक्स 2020 पहली बार महिला टीम सेमीफाइनल तक पहुंची सी। ठीक है जी, तो उन्हां दी महिला हॉकी टीम की कप्तान सी जी रानी रामपाल। ठीक है जी, जे होर पूछ लिया जावे गोलकीपर कौन सी मेंस टीम का गोलकीपर, क्योंकि उन्होंने काफी गोल, तब पी आर श्रीजेश जी। ठीक है जी, यह तुसी जरूर याद रखना है जी। ठीक है, जेकर होर क्वेश्चन की बन सकता है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन दे प्रधान कौन ने इस टाइम? प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH, ता ओ ने जी डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। तो देखो जी, इतने असी लगभग 5 क्वेश्चन कवर कर ले, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन जेड़ा बनता है अपना, ओ हॉकी टीम का कैप्टन कौन है? मनप्रीत सिंह। क्यों लाइमलाइट च क्यों ने चीजें? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 हुई ने, जिस विच इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है। ब्रॉन्ज जीता है जी, ठीक है, 40 या 41 साल बाद इंडिया ने ब्रॉन्ज जीता है। उस तो बाद जेड़ा गोलकीपर से इंडियन टीम का, वह सी पी आर श्रीजेश। भारतीय महिला हॉकी टीम की जी वो सी राणी रामपाल सी। ठीक है जी, अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का प्रधान कौन है? डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ठीक है जी, जेकर पूछ लिया जाए भी सब तो वड्डा हॉकी स्टेडियम 2022 कितने बन के तैयार होगा, तो वह होगा उड़ीसा विच। ठीक है जी, ते टीम स्पॉन्सर किसने करी सी? स्पॉन्सर कौन रहूगा अगले 10 या 20 साल वास्ते? तो वह भी उड़ीसा गवर्नमेंट ही रहूगी। ठीक है जी, क्योंकि उन्होंने ही स्पॉन्सर करे सी हॉकी टीम। ठीक है जी, अगे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। दूजा क्वेश्चन है जी, यह क्वेश्चन SSC विच भी पूछा गया है जी, ते पंजाब दा जेड़ा एग्जाम होया सी। ठीक है जी, पंजाब दा एग्जाम होया सी जेड़ा अपना पटवारी दा, उस विच भी पूछा गया सी। ते ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? ठीक है जी, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। हुण जेकर तुहानू यह पता होगा भी ग्रीन हाउस गैसां केड़ियां ने, तां ही तुसी ला सकदे हो। तां ग्रीन हाउस गैसां ने जी वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, ए N2O है जी, ओजोन ते CFC। ठीक है जी, यह सारियां की ने ऑप्शन सीगे जी, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन ने यह। ग्रीन हाउस गैसेज यह ऑप्शन दिते होंगे ने, इन्हों विचों चुनना होंगे। ठीक है जी, हेठ लिखिया विचों केड़ी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन इन्हों दे ए देखे जा सकते ने, ते ग्रीन हाउस गैसेज भी ने। ठीक है जी, अगे चलते हैं जी। तीजा क्वेश्चन, हिंदी इज द ऑफिशियल कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कहते जी हिंदी साड़ी अधिकारित भाषा है, संविधान के केड़े लेख के अधीन आता है? तो वह संविधान के आर्टिकल नंबर 343 दर्शाया गया है। ठीक है जी, क्योंकि आर्टिकलों तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस कारण हिंदी अधिकारित भाषा संविधान के केड़े लेख विच आता है? तो संविधान के 343वें लेख विच आता है। ठीक है जी,
हिंदी एज ए देवनागरी स्क्रिप्ट संविधान के 343 सबसेक्शन 1 च आंदा है। ते यूज ऑफ इंग्लिश मतलब कि दफ्तरां विच दफ्तरी कामकाज विच इंग्लिश दी वरतों आर्टिकल नंबर 343 सबसेक्शन 2 दे अंडर आंदा है। ठीक है जी, याद रखना है जी, तुसी हिंदी दी अधिकारित भाषा संविधान दे केड़े लेख अधीन आउंदी है? आर्टिकल नंबर 343, हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट आर्टिकल 343 सबसेक्शन 1। ते हिंदी द यूज ऑप्शन च आर्टिकल नंबर 343 सबसेक्शन 2। ठीक है जी, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसी कर रहे हैं जी। चौथा क्वेश्चन देखो जी, वेयर विल बी फीफा 2022 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज। ठीक है जी, फीफा 2022 विश्व कप कितने आयोजित किया जाऊगा? तब फीफा 2022 विश्व कप कितने आयोजित किया जाएगा जी? कतर विच। ठीक है जी, हुण देखो होर की पूछ सकते ने, ओलंपिक 2024 कितने आयोजित कितिया जाएंगिया? पेरिस विच। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कितने होस्ट कितिया जाएंगिया? बिरमिंगन यूके विच। ठीक है जी, रिसेंटली एक क्वेश्चन पंजाब पुलिस के एग्जाम से पूछा गया सी कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स, ठीक है जी, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स पोस्टपोन कर दित्तियां 2021 तो, हुण वो कदों होणगियां? तां 2023 विच होणगियां। याद रखना है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 विच होणगियां, कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2023 विच होणगियां। ठीक है जी, इत्थे भी आपां चार क्वेश्चन कवर कर ले। देखो जी, एक तां इह कीता फीफा 2022 विश्व कप कित्थे आयोजित कीता जाएगा? कतर विच। ओलंपिक 2024 दी कित्थे होणगियां? पैरिस विच। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 दी कित्थे होणगियां? बिरमिंगन यूनाइटेड किंगडम विच। अगे चलते हैं जी, पंजवा क्वेश्चन देखो जी, पुष्यपुत्री किस राजवंश के संस्थापक सन? पुष्यपुत्री किस राजवंश के संस्थापक सन? तो पुष्यपुत्री वरदाना राजवंश के संस्थापक सन। ठीक है जी, हुण देखो जी, वरदाना राजवंश तो तुहानू की पूछा जा सकता है? एक तो देखो तुहानू ग्रेटेस्ट किंग पूछा जा सकता है, ठीक है जी, सब तो महान राजा वरदाना डायनेस्टी का, ता ओहो सी जी प्रभाकर वरदाना, जां फिर सब तो लास्ट, ठीक है जी, राजा वरदाना डायनेस्टी का, ता ओहो सी जी हर्ष वरदाना। ठीक है जी, पुष्यपुत्री किस राजवंश के संस्थापक सन? राजवंश है जी वरदाना। हुण वरदाना राजवंश का पहला राजा केड़ा? ग्रेटेस्ट जेड़ा महान राजा ओ है प्रभाकर वरदाना। ते आखिरी राजा केड़ा होया जी वरदाना डायनेस्टी का? ता ओहो होया जी हर्ष वरदाना। ठीक है जी, अगे चलते हैं, छेवां क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल दे प्रधान कौन हैं? ठीक है जी, रिसेंटली क्वेश्चन ने तो आ सकते ने, एशियन क्रिकेट काउंसिल दे प्रधान ने जी जय शाह। होर की पूछ सकते ने जी, प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई, प्रेसिडेंट बीसीसीआई दे प्रेसिडेंट इस टाइम कौन ने जी? सौरव गांगुली जा सीईओ ऑफ बीसीसीआई? तो सीईओ ने जी मन्नू साह ने। ठीक है जी, तो छेवा क्वेश्चन भी असी कवर कर लिया जी, इस विच असी तीन क्वेश्चन कवर किए ने। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रधान कौन हैं? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रधान ने जी जय सिंह। प्रेसिडेंट कौन है बीसीसीआई का? तो सौरव गांगुली। सीईओ ऑफ बीसीसीआई कौन ने जी? मन्नू साह ने। तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो। अगे चलते हैं जी, सत्तवां क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह कदों होया? ठीक है जी, हिस्ट्री जो क्वेश्चन है, देखो हिस्ट्री दे इवेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ने, मॉडर्न हिस्ट्री एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है जी, चंपारण सत्याग्रह होया जी 1917 विच। हुण इस दे रिलेटेड की पूछ सकते हैं, रोल टैक्ट कदों होया? रोल टैक्ट होया जी 1919 विच। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कदी हुई? तो वह हुई 1920 विच। ठीक है जी, टोटल तीन क्वेश्चन आप कवर कर रहे हैं हरेक ही क्वेश्चन के नाल, क्योंकि उन्हां दे नाल लगदे जो क्वेश्चन ने ओह भी एग्जाम च पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चंपारण सत्याग्रह कदों होया? चंपारण सत्याग्रह 1917 विच होया। रोल टैक्ट कदों होया? रोल टैक्ट 1919 विच होया। ते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 विच हुई। अगे चलते हैं, अठवां क्वेश्चन है, इंडियन सुपर लीग 2020-21 का आयोजन कित्थे किया गया सी? ता इंडियन सुपर लीग 2020-21 का आयोजन गोवा विच किया गया सी। गोवा विच किया गया सी। हुण इस दे नाल देखो, इंडियन सुपर लीग सी मतलब कि क्रिकेट दे नाल एसोसिएटेड है,
क्रिकेट दे नाल होर एसोसिएटेड की क्वेश्चन पूछ सकते ने। T20 वर्ल्ड कप 2021 किथे होगा? UAE एंड ओमान, ठीक है जी, जो भी ऑप्शन च दिता होगा। ते क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 किथे होगा? तां ओ होगा इंडिया विच। ए इस दे नाल लगदे क्वेश्चन ने जी जो पूछे जा सकदे ने, क्योंकि जेकर ए क्वेश्चन पूछ लिया जांदा है इंडियन सुपर लीग 2020 दा आयोजन तां ओ गोवा विच होया, पर जे तुहानू पूछ लिया जावे T20 वर्ल्ड कप 2021 किथे होगा तां ओ UAE एंड ओमान विखे होगा। जेकर पूछ लिया जावे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कितने होगा तो इंडिया विखे होगा। मतलब कि तुसी कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करो, असी इस तरीके नाल तुहानू यह क्वेश्चन करा रहे ने कि जे एग्जाम च पूछे जाते हैं तो तुसी उत्थे छड़ के ना आओ। अगे चलते हैं जी, नौवां क्वेश्चन देखो जी। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली गोट दी टाइटल ऑफ लख बख्श? दिल्ली सल्तनत दे किस शासक नू लख बख्श दी उपाधि मिली हुई सी? तां दिल्ली सल्तनत दा कुतुबदीन ऐबक एहो जिहा राजा सी जी जिस नूं लख बख्श दी उपाधि मिली हुई सी। ठीक है जी, इह क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत तों है, तां दिल्ली सल्तनत तों होरां दी उपाधियां वी पुछियां जा सकदियां ने। ठीक है जी, जे लख बख्श पुछिआ तां होरां दी वी, तां होरां दी देखो जी। दिल्ली सल्तनत विच किस सुल्तान नूं आलमगीर जां फिर गजनी दी उपाधि दित्ती गई सी? तां आलमगीर जां गजनी दी उपाधि दित्ती गई सी जी औरंगजेब नूं। ते तीजा देखो जी, दिल्ली सल्तनत दे किस सुल्तान नूं आलम पनाह जां जहां पनाह दी उपाधि मिली सी? तां ओह दित्ती हुई सी जी शाहजहां। ठीक है जी, तीन टाइटल असी कवर कीते ने। देखो, लख बख्श दी उपाधि किस नूं दित्ती? कुतुबदीन ऐबक नूं। आलमगीर जां फिर गजनी दी उपाधि किस नूं दित्ती? औरंगजेब नूं। ठीक है जी, आलम पना या फिर जहां पना दी उपाधि किस नूं दित्ती? शाहजहां नूं। इस दे नाल असीं कवर करदे चल रहे हैं जी साढ़े टाइटल भी, जो भी उपाधियां मिलियां ने। ठीक है जी, किसे नूं भी। ठीक है जी, अगे चलते हैं जी, दसवां क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन देखो जी, त्राइन की पहली लड़ाई कदों हुई सी? हुण देखो, त्राइन की पहली लड़ाई हुई सी 1191 AD। ठीक है जी, 1191 AD विच त्राइन की पहली लड़ाई हुई सी 1191 च। हुण देखो जी, इस चो सानू होर की पूछ सकते ने। हुण मान लो एग्जामिनर त्राइन की लड़ाई नहीं पूछता, पहली नहीं पूछता, मान लो उसने पूछ लिया बैटल ऑफ मुल्तान कदों हुई सी तां ओह 1175 विच हुई सी। त्राइन की दूजी लड़ाई पूछ ली तां ओह 1192 विच हुई सी। जां फिर चंदावर की लड़ाई पूछ ली तां ओह 1194 विच हुई सी। मेन क्वेश्चन है जिहड़ा पूछा जा सकता है त्राइन की पहली लड़ाई, ठीक है जी, 1191 विच। पर उस दे नाल लगदे जिहड़े होर चार क्वेश्चन ने ओह भी सानू जरूर आने चाहिए ने, जिहड़ी इंपोर्टेंट बैटल्स ने, जिवें कि मुल्तान की लड़ाई होगी। मुल्तान की लड़ाई 1175 AD विच हुई है। ठीक है जी, सैकेंड बैटल ऑफ त्राइन होगी, त्राइन की दूजी लड़ाई 1192 विच हुई है। जां फिर बैटल ऑफ चंदावर होगी, बैटल ऑफ चंदावर कदों हुई है जी? 1194 AD विच बैटल ऑफ चंदावर हुई है। ठीक है जी, ये इंपोर्टेंट ने। अगे चलते हैं जी, 11वां क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क? देखो, फिजिक्स दे क्वेश्चन ने। ठीक है जी, फिजिक्स चो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुहानू। कम का फॉर्मूला की है? तो फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट कम का फॉर्मूला होंगे। हुण होर की पूछ सकते ने? SI यूनिट पूछ सकते ने। SI यूनिट वर्क या एनर्जी दे की होणगे? जूल। ठीक है जी, होर की पूछ सकते ने? SI यूनिट पावर दे पूछ सकते ने, तां पावर दे SI यूनिट ने वोट। ठीक है जी, सब तो पहला फॉर्मूला ऑफ वर्क की है जी, फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट है। ठीक है जी, SI यूनिट ऑफ वर्क कम एनर्जी ने जूल। ठीक है जी, SI यूनिट ऑफ पावर की है वोट। ठीक है जी, अगे चलते हैं, 12वां क्वेश्चन जी। ठीक है जी, कतर दी राजधानी की है? तो कतर दी राजधानी है जी दोहा। बेसिकली कंट्रीज दी कैपिटल पूछ ली जाती है। ठीक है जी, कंट्रीज दी कैपिटल तुसी जरूर याद रखनी है ने, हरेक कंट्री दी कैपिटल। ठीक है जी, मेन में जो न्यूज च ने, कैपिटल ऑफ UAE, UAE ठीक है जी, राजधानी दुबई। UAE क्यों न्यूज च है? रिसेंटली इन्होंने गोल्डन वीजा दिता है। ठीक है जी, रिसेंटली गोल्डन वीजे दे रहे ने। ठीक है जी, पहला इंडियन कौन है जी गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाला? ठीक है जी, कौन ने जी? ये तुसी कमेंट बॉक्स च कमेंट करके जरूर दसना है जी, जे असी भी दस दिंदे हां। तां संजय दत्त पहले
इंडियन एक्टर ने जिन्हां नूं दुबई द्वारा गोल्डन वीजा UAE गेव रिसेंटली गोल्डन वीजा टू संजय दत्त। इसे कारण तो UAE दी कैपिटल की है दुबई। ठीक है जी, 13वां क्वेश्चन देखो, भितरकनिका नेशनल पार्क कितने स्थित है? तो उड़ीसा विच स्थित है। उड़ीसा गवर्नमेंट रिसेंटली न्यूज च क्यों है जी? क्योंकि हॉकी टीम नू स्पॉन्सर किया गया सी। ठीक है जी, ते 2022 विच मैंस हॉकी वर्ल्ड कप भी उड़ीसा विच होगा। मैंस हॉकी वर्ल्ड कप, ठीक है जी, 2022 विच जेड़ा होना है वह भी उड़ीसा विखे होगा। इस कारण उड़ीसा न्यूज च है। तो भितरकनिका नेशनल पार्क भी कितने स्थित है? उड़ीसा विच स्थित है। अगे वधदे हैं जी, COP 25 2019 वाज हेल्ड एट विच प्लेस? COP 25 2019 विच किस जगह पर आयोजित किया गया सी? तो COP 25 2019 विच मैड्रिड स्पेन विच आयोजित किया गया सी। हुण देखो जी, जेकर तो 2019 का पूछ लिया जाता है तो वेल गुड है, पर जे उन्हें तुहानू पूछ लिया COP 26 कितने किस जगह पर आयोजित किया जाऊगा, तो COP 26, क्योंकि COP 25 तो 2019 विच हो लिया, तो COP 26 आयोजित किया जाऊगा ग्लासगो स्कॉटलैंड विच। ठीक है जी, याद रखना है ग्लासगो स्कॉटलैंड विच। जेकर तुहानू पूछ लिया जाए 47वां G7 समिट 2021 कितने होगा, तो G7 सम्मेलन इंग्लैंड विच होगा। जेकर तुहानू पूछ लिया जाए G20 सम्मेलन 2021 कितने होगा, तो वह रोम इटली विच। ठीक है जी, इतने देखो असी सारे क्वेश्चन ही कवर करके चल रहे हैं जी, तां एग्जामिनर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो जो भी क्वेश्चन सानू पूछे वह सानू आंदा होवे। देखो असी किता COP 25 2019 मैड्रिड स्पेन विच होगा, तां COP 26 कितने होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड विच, 47वां G7 समिट 2021 सम्मेलन कितने इंग्लैंड विच, G20 समिट 2021 रोम इटली विखे। अगे चलते हैं जी, 15वां क्वेश्चन देखो जी, भारत विच इंडियन नेशनल एसोसिएशन कदों बनाई गई सी? 1876 AD विच बनाई गई सी जी इंडियन नेशनल एसोसिएशन। हुण देखो इंडियन नेशनल एसोसिएशन की गल हो रही है, हुण देखो सानू ये भी पता लग गया, फाउंडिंग ईयर भी यदा पता लग गया। ठीक है जी, फाउंडिंग ईयर यदा पता लग गया अपन भी 1876 AD है। हुण जेकर सानू पूछ लिया जाए फाउंडर कौन सी इंडियन नेशनल एसोसिएशन दे बानी जां फिर संस्थापक, ठीक है जी, इंडियन नेशनल दे एसोसिएशन दे बानी जां फिर संस्थापक, तो आनंद बोस ते सुरेंद्रा नाथ बैनर्जी ने मिलके की बनाई सी जी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई सी आनंद बोस ते सुरेंद्रा नाथ बैनर्जी ने। अगे चलते हैं जी, 16वां क्वेश्चन देखो जी, हुज एडमिनिस्ट्रेशन डिड अकबर फॉलो एज ए मॉडल एंड टुक इंस्पिरेशन? कहिंदे जी किस दे प्रशासन नूं अकबर ने एक नमूने दे रूप विच अपनाया अते उस तों प्रेरणा लई? तो अकबर ने जी शेरशाह सूरी के मॉडल में एक तरह नाल नमूने के रूप में अपनाया सी ते उस तो प्रेरणा ली सी। ठीक है जी, शेरशाह सूरी जिसनों आपां फरीद खां भी कहते हैं, ठीक है जी, उन्हों का दूजा नाम फरीद खां। याद रखना है जी, एग्जाम च बहुत बारी यह क्वेश्चन पूछा गया शेरशाह सूरी का दूजा नाम, ठीक है जी, या फिर बचपन का नाम, तो फरीद खां उन्होंने कहा जाता सी, बाद च शेरशाह सूरी। ठीक है जी, होर क्वेश्चन, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी लोकेटेड इन? शेरशाह सूरी का मकबरा कितने स्थित है? ठीक है जी, तो शेरशाह सूरी का जिहड़ा मकबरा स्थित है वह सासाराम बिहार विखे स्थित है, सासाराम बिहार विच। जेकर पूछ लिया जाए डैथ ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी की मौत कदों हुई? तो 1554 AD विच हुई। ठीक है जी, शेरशाह सूरी ने अपनाया सी, शेरशाह सूरी का मॉडल अपनाया सी अकबर ने, शेरशाह सूरी नूं होर की कहा जाता है? फरीद खां। शेरशाह सूरी का मकबरा कितने है? सासाराम बिहार विच। ठीक है जी, डैथ कदों हुई शेरशाह सूरी की? 1554 AD। अगे चलते हैं, 17वां क्वेश्चन, अंग्रेजों को बंगाल के दीवानी अधिकार कदों मिले? ठीक है जी, अंग्रेजों को बंगाल के दीवानी अधिकार 1765 विच मिले। हुण देखो दीवानी अधिकार मिल गए अंग्रेजों को बंगाल के, ठीक है जी, दीवानी का मतलब की होंगे? हुण आपां कहते जी दीवानी अधिकार देते उन्होंने किस दे? बंगाल दे राइट टू कलैक्ट रेवन्यू। ठीक है जी, कर इकट्ठा करन दे
ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, 1773 ਏਡੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, 1774 ਏਡੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1765 ਵਿੱਚ। ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, 1773 ਏਡੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਆਇਆ, 1774 ਏਡੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕਿਸ ਨੇ 1875 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਲਿਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ 1875 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਸਨੇ, ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ 1875 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਣ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1896 ਵਿੱਚ INC ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 27 ਦਸੰਬਰ 1911 ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 27 ਦਸੰਬਰ 1911। ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਨੇ 1875 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 1896 ਵਿੱਚ INC ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਕਦੋਂ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 27 ਦਸੰਬਰ 1911 ਵਿੱਚ, ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 19ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗਸੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਓਰੀਜਨ ਹੈ ਜੀ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਨਦੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਗਸੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਜੇ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਸਤਲੁਜ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਾਊਂਟ ਕੈਲਾਸ਼। ਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਬਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਰਡਨ ਪਾਵਰਸ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 161 ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਆਫਿਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 153। ਗਵਰਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 154 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗਵਰਨਰ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 155 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਫੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਰਡਨ ਪਾਵਰਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ 161 ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 153 ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਪਾਵਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ, ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 154 ਵਿੱਚ। ਅਪੋਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 155 ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਸ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਿਦ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਖੋ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਪਨਿਸ਼ਿਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਖੋ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ, ਐਲਡੈਸ ਸਨ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ ਐਲਡੈਸ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਖੋ, ਦੂਜਾ ਸੀਗਾ ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼, ਤੀਜਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਿਦਾਂ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਖੋ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਖੋ ਐਲਡਰ ਸਨ ਸੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜੀ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਖੋ, ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼, ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, 21ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ। ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਲਰ ਆਫ ਸਕਿਨ, ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਾਨਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਲੀਪ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੀਨੀਅਲ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ, ਇਨਸੂਲਿਨ। ਕਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਟੀਅਰ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕਸੀਟੋਸਿਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੇ ਹਾਰਮੋਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਰਿਸਪੋਂਸ ਡਾਰਕਨੈਸ ਨਾਲ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ।
ठीक है जी, साड़ी स्किन का जेड़ा चमड़ी का कलर है वह कौन कंट्रोल करता है? मेलानिन। स्लीप साइकिल नू पिनियल। ठीक है जी, हॉर्मोन ब्लड शुगर रिड्यूस करूंगा इंसुलिन। हॉर्मोन टीयर हॉर्मोन ऑक्सीटोसिन। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन। सिम्बेक्स केड़े दो देशों विचकार एक फौजी अभ्यास है? तो सिम्बेक्स इंडिया ते सिंगापुर विचकार एक संयुक्त फौजी अभ्यास है। हुण देखो जी मिलिट्री एक्सरसाइज आ, ठीक है जी, मिलिट्री एक्सरसाइज। उन्हें मिलिट्री एक्सरसाइजा होर केड़ियां केड़ियां पूछिया जा सकदियां ने? देखो आप सारिया ही डिस्कस कर लेंदे हैं। मित्रा शक्ति, मित्रा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया ते श्रीलंका दे विचकार। समुद्रा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया ते इंडोनेशिया दे विचकार। गरुड़ा ते वरुण मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया ते फ्रांस दे विचकार। मतलब कि जेकर तुहानू कोई भी पूछी जाती है तो असं कर सकते हैं। जेकर मिलिट्री एक्सरसाइजा की वीडियो देखनी है तो वह भी असी अड तो बनाई हुई है संयुक्त सैनिक अभ्यास के नाम तो। ठीक है जी, सिम्बेक्स केड़े देशों विचकार? इंडिया ते सिंगापुर। मित्रा शक्ति इंडिया ते श्रीलंका। समुद्रा शक्ति इंडिया ते इंडोनेशिया। गरुड़ा ते वर्ण इंडिया ते फ्रांस दे विचकार संयुक्त सैनिक अभ्यास ने। ठीक है जी, अगे चलते हैं 23वां क्वेश्चन। मार्गम कली किस भारतीय राज का लोक नाच है? तो मार्गम कली केरला का लोक नाच है। ठीक है जी, 24वां क्वेश्चन। किसनों 92वें आस्कर अकैडमी अवार्ड 2020 सर्वोत्तम सहायक अधिकारा का खिताब प्राप्त होया? एएसएससी दे सीजीएल एग्जाम च पूछा गया सी जी। ठीक है जी, किसनों ब्रैड पिट नू होया जी क्या द बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का? जेकर बेस्ट मूवी देखिए ऑस्कर विच तां ओ रही है जी पैरासाइट, ते बेस्ट एक्टर देखिए तां ओ रहा है जोक्विन फिनोइक्स फॉर मूवी जोकर वास्ते। ये याद रखना है जी, ब्रैड पिट नू मिलिया जी बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर का, बेस्ट मूवी का खिताब मिलिया पैरासाइट नू, ते बेस्ट एक्टर का खिताब मिलिया ऑस्कर अवार्ड विच जोकिन फिनोइक्स नू फॉर मूवी जोकर वास्ते। ठीक है जी, याद रखना है। आदा आखिरी क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। केड़ा लेख परिभाषित करता है कि मनी बिल राज्यसभा विच पेश नहीं किया जा सकता? देखो सब नू पता है कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, पर केड़ा आर्टिकल यह कहता है? उस दे नाल संबंधित आर्टिकल है जी आर्टिकल नंबर 109। ठीक है जी, हुण देखो जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लीमेंट, जॉइंट सीटिंग पार्लीमेंट दी कौन केड़ा आर्टिकल दसदा है? आर्टिकल नंबर 108। मनी बिल्स किस विच आंदे ने? आर्टिकल नंबर 110। यूनियन बजट जिसनों असी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं वह आती है जी आर्टिकल नंबर 112 के तहत। ठीक है जी, आर्टिकल याद होने चाहिए ने, क्योंकि देखो मनी बिल राज्यसभा विच पेश नहीं किया जा सकता आर्टिकल नंबर 109 कहता है। पर जेकर असी जॉइंट सीटिंग की गल करिए, ठीक है जी, जॉइंट सीटिंग किस दे? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है जॉइंट सीटिंग वाला, यह तुसी याद रखना है इंपोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 108। मनी बिल्स भी इंपोर्टेंट ने आर्टिकल नंबर 110, ते बजट जिसनों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं वह आता है जी 112 के अंडर। सो दोस्तों यही सी कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जेल वार्डर के एग्जाम लई। ठीक है जी, जेकर तुहानू वीडियो पसंद आई तो वीडियो में लाइक जरूर करो, तो चैनल में सबसक्राइब करना ना भूलो। स्क्रीन पर तुसी साडे चैनल के कुछ ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स देख रहे हो। हुण तुसी साडे नाल फेसबुक टैलीग्राम इंस्टाग्राम ते यूट्यूब ते जुड़ सकदे हो। इन्हां सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते साडे नाल जुड़न लई जो लिंक ने ओह वीडियो दे डिस्क्रिप्शन विच दे दित्ते गए ने, तुसी उत्थों साडे नाल इन्हां साइटां ते जुड़ सकदे हो। जां फिर तुसी फेसबुक टैलीग्राम इंस्टाग्राम ता यूट्यूब ते जाके @PunjabKnowledgeHub सर्च कर सकदे हो। हर हफ्ते जिहड़ा साडे चैनल वल्लों फ्री मॉक टेस्ट लिया जांदा है, जेकर तुहानूं उस दे रिगार्डिंग किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो तुसी इस दिते गए नंबर 90415-40772 9041540772 ते शनिवार ते ऐतवार नूं 9 तो 5 दे विचकार कॉल करके किसी भी तरह की जानकारी मॉक टेस्ट दे रिगार्डिंग लै सकते हो। ठीक है जी, मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, किसी भी तरह का कोई भी पैसा मॉक टेस्ट का नहीं लिया जाता। सो दोस्तों जेकर तुहानू अज दी वीडियो पसंद आई तो वीडियो नू लाइक जरूर करो, ते साडे चैनल पंजाब नॉलेज हब नू सबसक्राइब करना ना भूलो। थैंक यू।